Hey everyone, good morning. Welcome back to our YouTube channel with another new vlog. So guys, अभी time देख रहे हैं कितना हो रहा है, सुबह का 8:30 और आज का vlog एकदम morning में start कर दिए हैं. आपको अभी जा रहे हैं हम पहले दूध लेने, gate पे टंगा हुआ रहता है. और आज का weather देख लीजिए, पूरा कोहरा ही कोहरा, एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा नहीं है पर थोड़ा कोहरा टाइप का है, पूरा एकदम बादल किया हुआ है. रुकिए बैक कैमरा से दिखा. तो अभी मॉर्निंग का ड्यूटी है, दूध लेके जाना है, दूध उबालना है और फिर मॉर्निंग का नाश्ता बनाना है, सबसे बड़ा टेंशन. ये रही कोको. गुड मॉर्निंग, सो जाओ. इसको ये खटिया मिल गया, खटिया में किसी को बैठने नहीं देगी, यही सोए. ठीक है, सो जाओ. दूध तो उबल चुका है और चाय भी बना के पी लिए. अब बारी आता है सुबह का नाश्ता. तो सुबह में नाश्ता में क्या बनाया, सबसे मतलब बड़ा वाला टेंशन है हर फीमेल्स के लिए जो घर पे नाश्ता वगैरह बनाती है, क्योंकि नॉर्मल खाना ऐसे घुसेगा नहीं. और कुछ अच्छा भी बनाने में क्या बनाए, इतना मॉर्निंग में रोज सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाए. और आज पापा भी घर पे रहेंगे तो कुछ अच्छा बनाते हैं, तो सोच रहे हैं सत्तू भरा कचौड़ी बना देते हैं, क्योंकि पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी को भी पसंद है और हम लोग तो तीन ही जने, तो इसलिए फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि अभी बनाएंगे सत्तू हरा रोटी, सॉरी कचौड़ी. तो बना देते हैं और धनिया पत्ता का चटनी बना देंगे, बाकी सॉस तो है ही. तो फटाक से बनाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है. और पूरा एकदम कल रात में तेल वगैरह लेके सो गए थे तो अभी पूरा चिपकू चिपकू टाइप का लग रहा होगा, पर उसको इग्नोर कर दीजिएगा. अभी मॉर्निंग का टाइम है और वेदर भी कैसा करके रखा है कि बाल भी धोएंगे और शायद शायद शादी घर जाएंगे, देखते हैं. वेदर ऐसा रहा तो हम नहीं जाएंगे, वेदर अच्छा हो गया तो जाएंगे, जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है. तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, अभी फिलहाल नाश्ता बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं. तो गाइस ये रहा मेरा नाश्ता और इधर देखिए होम टूर का ब्लॉग चल रहा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और ये रोटी है, उसको देना है क्योंकि तेल का नहीं दे सकते. बैठो, हाँ अब उसको हटाएगी, जो इसका है वो उसी का है. फाइनली धूप निकल गया, लग रहा था नहीं निकलेगा पर नाश्ता बनाते बनाते धूप भी निकल गया. चलिए करते हैं नाश्ता और अपना होम टूर का ब्लॉग देखते हैं. सो गाइस हम लोगों का नाश्ता वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो गया है और धूप भी अच्छा खासा निकल गया है, तो अभी धूप में बैठे हुए हैं. और देखिए मम्मी उधर चाची से बात कर रही है छत पर, शादी घर जाना उसी का डिस्कशन चल रहा है उन लोगों का. तो अभी फ़िलहाल गीजर ऑन कर दिए, पानी गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म होगा उसके बाद नहाएंगे. तब तक पापा भी लाए हैं मटन, पापा घर पे हैं तो जाते हैं अभी मटन बना देते हैं, फिर नहा वहा के फ्रेश होके फिर आप लोगों से मिलते हैं. देखते हैं पापा और क्या क्या लाए हैं, चलिए देखते हैं. देखिए इधर पानी ला के रखे हैं पापा और ये लोगों को यहीं सोना रहता है गाड़ी के ऊपर ही. मम्मी पूरा वहाँ पे कोको, कोको को दवा खिलाना है, अब तो भूल ही गए. कोको दवा खाना है बेटे, आ करो खाओ, खा जा, खाना है उसको, खाओ
दूध के साथ ला दे। खाओ। ऐसे नहीं खाएगी, रुको यार। देखिए दूध में मिला के लाए, लो लो खाओ खाओ। जान गई कि दवा है। पूरा खाना बेटा, चल दवा खाना है। देखिए ये देखिए बालू शाही और रसगुल्ला लाए हैं पापा, और लाए हैं ये रहा मटन। तभी बनाएंगे अभी मटन, फिर आप लोगों से मिलते हैं। देखिए बना नहीं यार, अभी से इसको चाहिए, रुको सबर करो। और बहुत कोई बोलते हैं कि आप लोग बिल्ली को सिर्फ दूध ही देते हैं, मछली वगैरह भी दे दिए तो ये लोग सब खाता है। सब कुछ देते हैं। अब देखिए मसाला भी पीसना है। नहा वहा के फाइनली रेडी हो चुके हैं और अब करेंगे लंच। सुबह से खाना बना बना के मेरा हालत खराब हो गया और आगे अपने सेटअप पे आ देखेंगे। खोले तो एक बार ही आना रहता है। तो ये आ गए अपने सेटअप पे और मम्मी को देखिए उधर है, चाची से बात कर रही है। चलिए हम भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए की कच्चा मोलट मोलट दिया दी हो जी के बुझे माछ वाले तो कहता खा का ला वो उठ ले रहे। देखिए हम लोगों के पड़ोस में शादी है पर बजा ही नहीं बजा रहा, लग ही नहीं रहे के शादी है। वहाँ पे एक छोटा सा बछड़ा है, क्यूट लग रहा है। पूरा धान कटाई हो गया, ले गया सब। अब यहाँ पे बच्चा लोग पतंग उड़ाएगा इधर। चाची की वीडियो बना बता तो मम्मी फिर से ऊपर चल गई। जरा देखा। तो ये रहा हम लोगों का सीसीटीवी कैमरा जो कि लगाएंगे। चार कैमरा है, एक मेन गेट पे, एक कहाँ का लगाएंगे वो तो पापा लगाएंगे, अभी डिसाइड नहीं किए। तो अभी देखिए, तो थोड़ा ध्यान से आइएगा मेरे घर, आप कैमरे के निगरानी में। तो अभी आ गए हम नीचे, अब करेंगे लंच। मेरा खाना रेडी हो चुका है, दिखाते हैं मटन भट। तभी करते हैं लंच, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और हाँ, हम सोच रहे थे ऐसा कि एक कुकिंग चैनल खोल लें, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। क्योंकि पहले भी मेरा कुकिंग चैनल हुआ करता था, मतलब यही वाला चैनल, पहले कुकिंग वीडियोज आता था। तो अभी फिलहाल कुकिंग का शायद से एक दो वीडियो होगा मेरे चैनल पर, बाकी तो है नहीं। तो आप लोग सजेस्ट कीजिए, अगर बोलिएगा कुकिंग चैनल, उसमें एकदम प्रोफेशनल तरीके से खाना बनाएंगे, एकदम अच्छा अच्छा रेसिपी। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुझे कुकिंग चैनल ओपन करना चाहिए या नहीं, तभी जाके खोलेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो और फिलहाल अभी लंच कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह से काम कर करके हम बहुत ज़्यादा थक गए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मछली का जाल पापा साफ कर दिए हैं, मछली
अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है और हम सो गए थे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले उठे। चाची पायल की मम्मी कॉल की थी, बुला रही थी, उसको नेल पेंट्स चाहिए था तो अभी लेके जा रहे हैं उन्हीं के पास। तो चलिए अभी चलते हैं चाची के घर। सो गाइस हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि शादी घर जाएंगे तो क्या क्या पहनेंगे, जो कि हर लड़की का एक एक्साइटेड होता है ना क्या पहनेंगे। ये डिस्कशन कभी खत्म नहीं होता है कि क्या पहन के जाना है। अभी हम लोग चाय पिए, चाय पिलाई चाची, अभी पूरा टेस्टी था। अभी हम घर जाएंगे, झाड़ू उड़ू लगाएंगे, फिर रेडी होंगे। जाओ रेडी हो जल्दी करे, एतो तड़ तड़ थाल माजबे ना ने बासन में मैगे नहीं चाय रो में। तभी हमको अभी काम है घर में, मानना है तो मैं जाओ। ठीक है छे हम आज छी तब अगर रेडी होए नहीं कॉल करबे। हां साथ आइयो। ठीक है छे। हां मेरा सारा काम खत्म हो गया, इसका नींद नहीं टूटा। टाइम देखिए कितना हो रहा है, 5 बजने को उठना नहीं है, उठना है। ओए उठो। सो गाइज फाइनली घर आ चुके हैं और अभी सोचे एक दो रील्स बना ले, क्योंकि इतना रेडी हुए तो रील्स तो बनाना बनता है। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। और मेरा यूजर नेम सेम है, ज्योतिषी माधव, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। और बहुत जल्द वहाँ पे 100K होने वाला है, 93.5K हो चुका है फॉलोअर्स। तो अगर आप लोगों ने मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जाके फॉलो कर लीजिएगा, जल्दी से 100K करवा दीजिए इंस्टाग्राम पे भी। तो अभी फिलहाल रील्स वगैरह बनाएंगे। तो बस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ ज्योतिषी महतो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। टाटा।